नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना लाइव न्यूज और मैं हूं पंकज भट्ट। अब जबकि चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है और सारे छोटे बड़े नेता अपनी अपनी ताकत अपने अपने स्तर से क्षेत्र में झोंक चुके हैं, तो प्रस्तुत हम करते हैं 40 पंचायतों को की का दौरा करने के बाद जमीनी हकीकत बेगूसराय संसदीय क्षेत्र की। जैसा कि आप जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार हैं, वहीं एनडीए के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, जो काफी नाराज भी चल रहे हैं। वहीं मुकाबले को दिलचस्प बनाती है महागठबंधन के उम्मीदवार तनवीर हसन। महागठबंधन ने जब से ये घोषणा किया है कि तनवीर हसन हमारे उम्मीदवार हैं, तब से बेगूसराय संसदीय क्षेत्र काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेगूसराय सीपीआई का कभी गढ़ हुआ करता था, लोग इसे इस जिले को मास्को के रूप में भी कहते थे। आज परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। उसका कारण सीपीआई के लोकल नेता के द्वारा अपनी नीति को, सीपीआई की नीति को नहीं बल्कि अपनी नीति को समाज में परोसने का मुख्य काम किया। इस वजह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपना जनाधार खोया है बेगूसराय जिले में। दूसरी तरफ जब जातीय समीकरण की हम अगर बात करते हैं, तो जातीय समीकरण को लेकर के यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल उभर करके सामने आई, जनता दल यूनाइटेड भी उभर के सामने आया, लोजपा और भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी खासी पैठ यहाँ के आम पब्लिकों में बना रखी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जबकि असंतुष्ट चल रहे हैं, वहीं कन्हैया कुमार बिगुल फूके हुए हैं कि जीत बेगूसराय का लाल का होगा। गिरिराज सिंह इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें नवादा सीट छोड़ना पड़ा है। पार्टी ने उन्हें बेगूसराय से लड़ाने का निश्चय किया था। जब हम बात करते हैं तनवीर हसन की, तो तनवीर हसन महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हैं और तनवीर हसन की एक अच्छी छवि भी है। अब स्थिति ये बन रही है कि बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 19,53,000 कुछ वोट हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या लगभग 10.5 लाख के आसपास है और महिला वोटरों की संख्या 9,13,000 कुछ वोटर हैं। अब स्थिति इसमें अलग अलग जाति की देखा जाए तो भूमिहार सबसे ज्यादा 3,80,000 मतदाता हैं, मुस्लिम 2,84,000 हैं, यादव 2,25,000 हैं, कुर्मी 1,40,000, कुशवाहा 1,25,000, राजपूतों की संख्या 75,000 है, कायस्थ 50,000 और ब्राह्मण 80,000 हैं। वहीं लोजपा भी अपनी दमदार प्रस्तुति दे रही है, 1,50,000 पासवान के भी वोटर मौजूद हैं। बेगूसराय जिले में टोटल 7 विधानसभा हैं: चेरिया बरियारपुर, मटिहानी, बखरी सुरक्षित, बेगूसराय, साहेबपुर कमाल, बछवाड़ा और तेघड़ा। अब सवाल उठता है कि वोटर जाएं तो जाएं किधर। भूमिहार वर्ग से 2 प्रत्याशी खड़े हैं, कन्हैया कुमार और गिरिराज सिंह। दूसरी तरफ जो सबसे बड़े वोटर हैं, जो निर्णायक भी होते हैं, मुस्लिम वोटर, वहां से तनवीर हसन प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब इन परिस्थितियों में बेगूसराय का संसदीय क्षेत्र किनके सिर बढ़ेगा, इसको जानना हम चाहते हैं। हमने 40 पंचायतों का दौरा किया तो उसमें पाया कि लोग कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार से इस बात से खफा दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने देश को बांटने की बात की थी। अब गिरिराज सिंह की बात करें तो गिरिराज सिंह के साथ ये परेशानी आ रही है शुरुआत से ही कि वो उन्हें लोग यहाँ के उम्मीदवार नहीं बता रहे, उन्हें बाहरी प्रत्याशी के रूप में आम जनता के बीच में आम राय बनते नजर आ रही है।
लोकल जो पंचायत प्रतिनिधि है उनका कहना है कि हमें हगिनवान उम्मीदवार नहीं चाहिए, हमें हमारा घर का बेटा चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में बेगूसराय की जनता का झुकाव किस तरफ होता है ये भी देखना पड़ेगा। एनडीए से खासे नाराज चल रहे उम्मीदवार गिरिराज सिंह की नाराजगी भी वोटरों को अपने स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। लोकल जो चेहरे हैं, लोकल जो नेतृत्व करता है, उनका सहयोग कितना मिल पाता है गिरिराज सिंह को, ये देखने की बात आती है। तनवीर हसन खड़े हैं महागठबंधन की तरफ से निश्चित तौर पे, लेकिन महागठबंधन के लोकल नेताओं में कोई खास दिलचस्पी देखी नहीं जा रही है। कुल मिलाकर के अगर भूमिहार मतदाताओं का वोट बढ़ता है कन्हैया कुमार और गिरिराज सिंह के बीच, उसके बावजूद भी सीपीआई का इतना बड़ा कद नहीं है बेगूसराय में कि बेगूसराय संसदीय क्षेत्र को वो जीत सके। अब रही बात तनवीर हसन और गिरिराज सिंह की, तो मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच दिख रहा है। कन्हैया कुमार टक्कर देते नजर आएंगे, लेकिन तीसरे नंबर से निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि उठा पटक का ये खेल, ये महामुकाबला बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में एनडीए के प्रत्याशी और लोकल प्रतिनिधि अगर उनका सहयोग करें तो निश्चित रूप से बेगूसराय का सीट एनडीए को जीत दिला सकती है।